इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। जो आप व्हाट्सएप पर घंटों बर्बाद करते हैं ना, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस पर एक मिनट भी बर्बाद नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए रोज दोस्तों के साथ ऑनलाइन बात करना जरूरी है, लेकिन किताबों के साथ कब ऑनलाइन रहे ये याद भी नहीं होगा तुम्हें। इस समय तुम्हारे लिए स्टेटस को लगाना जरूरी है, और लगाने के बाद कुछ मिनटों के बाद चेक करना भी जरूरी है कि कितने लोगों ने उसे देख लिया, कितने लोगों ने उस पर कमेंट किया, कितने लोगों ने उसे पसंद किया। लेकिन तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि जिंदगी के स्टेटस को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने उसे पसंद किया, कितने लोगों ने उस पर कमेंट किया। तुम्हारे लिए इस समय अपने डीपी को कल से बेहतर तस्वीरों के साथ बदलना जरूरी है, बल्कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि रियल लाइफ के तस्वीर को कल से बेहतर तस्वीर के साथ बदला जाए। इस समय तुम्हारे लिए ये देखना जरूरी है कि व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आया या नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए ये देखना जरूरी नहीं कि तुम्हारे प्रति किसी का कुछ अच्छा करने का मैसेज आया या नहीं। तुम्हारे लिए नोटिफिकेशन आते ही व्हाट्सएप पे जाना जरूरी है, लेकिन किसी के कहने पर पढ़ाई करने के लिए तुम्हें पढ़ना तक जरूरी नहीं। तुम्हारे लिए अभी यह देखना जरूरी है कि तुमने जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था वो रीड हुआ कि नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए ये देखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं जो कल पढ़ा था वो याद भी है कि नहीं। तुम्हारा व्हाट्सएप का लास्ट सीन हर 2 मिनट के बाद का है, लेकिन किताबों के साथ का लास्ट सीन 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। तुम्हारे लिए व्हाट्सएप पर फालतू के मैसेज पढ़ना जरूरी है, लेकिन किताबों नॉलेज भरी चीजों को पढ़ना जरूरी नहीं। तुम्हारे लिए इस समय व्हाट्सएप पर घंटों बिताना जरूरी है, लेकिन किताबों के साथ 1 मिनट भी बिताना जरूरी नहीं। तुम कहते हो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप चलाने का तुम्हारे पास टाइम है। अरे तुम व्हाट्सएप के इस तरह शिकार हो गए हो कि तुम्हारा लास्ट सीन देख के ये पता चल जाएगा कि तुम कब सोते हो और कब उठते हो, क्योंकि सोने के पहले तक तुम व्हाट्सएप ही चलाते हो और उठने के तुरंत बाद व्हाट्सएप ही चलाते हो। अरे अब तो सुधर जाओ, क्यों व्हाट्सएप के गुलाम बन गए हो? रियल लाइफ में तो बातें करते हो बड़ी बड़ी, लेकिन अपने जीवन में तुम क्या कर पाओगे जब तुम्हें व्हाट्सएप ने अपना गुलाम बना लिया है। अगर व्हाट्सएप के लत से छुटकारा पाना है तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, जिससे ना नोटिफिकेशन आएगा और ना तुम डिस्टर्ब होगे। अगर तुम्हारे लिए व्हाट्सएप चलाना जरूरी है तो तुम एक टाइम बनाओ कि मुझे 5 मिनट या 10 मिनट ही चलाना है, उसके बाद नहीं चलाना है। अगर कोई दोस्त ऑनलाइन आए तो उससे मैसेज से बात न करते हुए कॉल से बात कर लेना, क्योंकि मैसेज लिखने में तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा और फिर उसका मैसेज का इंतजार करोगे, इसमें टाइम बर्बाद होगा। और कॉल पर भी ज्यादा बात ना करना, और फालतू के ग्रुप से दूर रहो। जो तुम्हारे काम के हो, स्टडी वाले ग्रुप हो, बस उसी में रहो, और कोशिश करो कि व्हाट्सएप को कम से कम समय दिया जाए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, व्हाट्सएप पे जाने से पहले एक बार समय को जरूर देख लेना, जिससे पता चलेगा कि तुम कितना टाइम उस पर बर्बाद कर रहे हो। यह वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है जो सोशल मीडिया पर अपना कीमती समय बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए।